हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों शनिदेव महाराज की मूर्ति, जो कि दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और अभी चारों ओर आप देख सकते हैं धूप निकली है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों पास से। जनरेटर की आवाज़ आने के कारण हमने बाहर से इसमें आवाज़ रिकॉर्ड की है। अगर आवाज़ का इशू आ रहा है तो उसके लिए माफ़ करें। और आप फिर भी दोस्तों देख सकते हैं कि मूर्ति को सामने से अभी दोस्तों तराई का कार्य चल रहा है इस पर। आप देख सकते हैं दोस्तों ध्यान से पीछे की ओर। अभी मैं आपको पास से जाकर दिखाता हूँ। अभी ऊपर तराई होने के बाद इस पर कार्य होगा। अभी कपड़ा और फिर हाथ की तैयारी और अलंकार, ये सभी चीज़ें तैयार की जाएंगी, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सामने मुग्धर, जो कि कितनी सुंदरता से बनाया गया है दोस्तों। ऊपर तराई का कार्य चल रहा है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कपड़ा भी तैयार हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कपड़ा किस तरह से बनाते हैं अभी शॉर्ट वीडियो में। एक छोटा क्लिप है मेरे पास कपड़े का, जो कि मैं इस वीडियो के बीच में डालता हूँ। और आप देखना दोस्तों हम किस तरह से कपड़े को तैयार करते हैं। देखिए कपड़ा कुछ इस प्रकार से दोस्तों तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदरता से, और दोस्तों इस पर डिज़ाइन बनेगी दोस्तों पट्टी की। और फिर मैं आपको दोस्तों सामने पूरे फ्रंट में आपको फुल मूर्ति दिखाऊंगा दोस्तों कंप्लीट की हुई। और अभी दोस्तों ज्वेलरी तैयार हो चुकी है, बट अभी दोस्तों ऊपर हाथों का कार्य रह गया। और दोस्तों इसके अलंकार में आप यह देख सकते हैं दोस्तों पीछे मुग्धर। और अभी दोस्तों मैं आपको त्रिशूल भी दिखाऊंगा और धनुष भी दोस्तों, जो कि नीचे हमने बना रखा है, जो ऊपर दोस्तों हाथों का वेल्डिंग करके लगा दिया जाएगा। तो आपको मैं पास से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों यह है त्रिशूल, जो कि हमने नीचे तैयार कर रखा है, और इस पर दोस्तों डिजाइन भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रखी है। और इसे ऊपर दोस्तों वेल्डिंग आपको कैमरे से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों इसे दोस्तों ऊपर वेल्डिंग कर दिया जाएगा, और फिर इस पर जो फिनिशिंग का काम किया जाएगा। उसके बाद यह धनुष जो कि तैयार किया गया है, यह भी ऊपर वेल्डिंग कर दिया जाएगा। और मैं अभी आपको पीछे से दोस्तों दिखाना चाहूँगा मूर्ति हमारी शंकर जी की भी बन रही है, जो कि आप देख सकते हैं सामने शिव जी की मूर्ति, जो कि 11 फिट है। और दोस्तों यह भी जल्दी ही तैयार कर दी जाएगी शनिदेव के बाद। देखिए दोस्तों हमारी मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा दोस्तों जो कि आशीर्वाद वाला हाथ था वह भी बन चुका है, और कपड़ा भी पूरी तरह तैयार हो चुका है, ज्वेलरी भी। और अभी दोस्तों सामने जो है जो कौआ बनाया जा रहा है दोस्तों, जो शनिदेव का बहाना है, तो देखिए उसकी दोस्तों तैयारी चल रही है। और मैं आगे आपको दोस्तों पूरी कंप्लीट मूर्ति दिखाता हूँ। सीधे हाथ पर दोस्तों कड़ा बनाया जा रहा है, जो दोस्तों अभी अपने हाथों की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस पर पुट्टी मारकर दोस्तों रेग मार मार दिया जाएगा, और दोस्तों हमारी मूर्ति कुछ कंप्लीट होने के बाद ऐसी दिखेगी। और दोस्तों इस पर दोस्तों पुट्टी मारने के बाद हम रेग मार मार देंगे, और जो दोस्तों हम पेंट करने से पहले देख सकते हैं दोस्तों यह मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों हमारे इसके बराबर में बजरंगबली की मूर्ति भी कंप्लीट है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ही सुंदरता से दोस्तों इसको बना दिया गया है। और इस मूर्ति में दोस्तों एक महीना इसमें भी लगा था, और एक एक महीने में दोस्तों ये कंप्लीट हुई है। बट कार्य दोस्तों सब पे एक साथ ही चलता रहा हमारा, और आप दोस्तों नीचे से देख सकते हैं दोस्तों ऊपर तक इस मूर्ति को। और यह मूर्ति दोस्तों इसके बराबर में शनिदेव जी की मूर्ति है, और जो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मूर्ति को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस पर दोस्तों जो पेंट का कार्य होगा उसका वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसी मूर्तियां बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा।